हेलो दोस्तों, टेक इन्फो में आपका स्वागत है। और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे रेडमी नोट 4 की। ये एक ब्लैक वेरिएंट वाला है, 64GB और 4GB रैम के साथ ये आता है। हालांकि ये एक प्रॉपर अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है, इसे मैं लगभग 2 वीक यूज कर चुका हूँ। तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 64GB का रोम है और 4GB का रैम है। तो चलिए हम इसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखता है Redmi Note 4। हालांकि मैंने इसमें ग्लास गार्ड ऑलरेडी डाल दिया है, सेलवेल का ग्लास गार्ड है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मैंने ऑलरेडी ग्लास गार्ड डाल दिया है। तो चलिए इसको पावर ऑन करते हैं। जब तक ये पावर ऑन हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या मिलता है। इसके ऊपर की तरफ है 3.5mm का ऑडियो जैक, और इसके साथ आता है IR ब्लास्टर, और इसमें आपको मिलता है सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक। तो और पीछे की तरफ आपको दिखता है, एक पीछे की तरफ आपको दिखता है, जिनमें से एक है स्पीकर की और दूसरा है माइक्रोफोन। और इसमें आपको USB टाइप सी नहीं मिलता, इसमें आपको माइक्रो USB ही मिलेगा। जैसा कि आप इसके पीछे देख सकते हैं, ये मैट ब्लैक डिजाइन है। और इसकी जो कैमरा है 13 मेगापिक्सल का है, और ये डुअल LED फ्लैश के साथ आता है। और इसमें फिंगरप्रिंट पीछे की तरफ दिया गया है। तो फोन को हम थोड़ा साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स में आपको ये कुछ यूजर मैनुअल मिलता है, इसे हम साइड में रख देते हैं। और ये भी कुछ पेपर स्टफ है, इसे भी साइड में रख दे। और इसमें कुछ आपको खास नहीं मिलता है, एक सिम इजेक्टर मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको 2 एम्पीयर का चार्जर मिलता है। ये फास्ट चार्जर नहीं है, हालांकि इसमें जो स्नैपड्रैगन 625 मिलता है, ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें आपको नहीं दिया गया है इस फीचर। तो इसे साइड में रखते हैं। और इसमें कुछ खास नहीं है, एक USB केबल है, इसे भी साइड में रख देते हैं। तो अब देखते हैं फ़ोन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फ़ोन बूट हो गया है। और हम इसके सेटिंग्स में जाते हैं। इसमें आपको MIUI 8.2 बिल्ट इन मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने इसमें ऑलरेडी सिम लगा दिया है जियो का। अब सेटिंग्स में जाते हैं, देखते हैं, अबाउट फोन में जाते हैं। इसमें आपको देख सकते हैं डिवाइस नेम मेरा रेडमी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, एंड्रॉयड 6.1 मार्शमेलो पे ये बेस्ट है। इसमें आपको नुगेट अभी तक नहीं आया है, लेकिन जल्दी आपको इसमें नुगेट का अपडेट देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें इसकी रैम की, तो इसमें 4GB की रैम मिलती है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। इंटरनल मेमोरी की अगर बात करें, तो इसमें 64GB की है, लेकिन आप इसमें सिर्फ 53GB जो है यूज कर सकते हैं। अगर बात करते हैं इसकी प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और ये क्लॉक है 2.0 GHz पे। तो सेटिंग्स में कुछ है नहीं ज़्यादा। तो इसमें आपको, और सेटिंग्स की अगर बात करते हैं, तो इसमें आपको ऐप लॉक की सुविधा मिलती है। आप इसमें डुअल एप्स भी चला सकते हैं, यानी कि एक साथ 2 ऐप चला सकते हैं। और देखते हैं इसमें और क्या क्या मिलता है। अगर आप चाहें तो इसमें सेकंड स्पेस भी चला सकते हैं, यानी कि एक मोबाइल को आप 2 यूजर के हिसाब से यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप विंडोज में करते हैं। मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। इसे आप टर्न ऑन करेंगे तो सेकंड स्पेस को क्रिएट करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये सेकंड स्पेस में आया है। इसमें आपको पहले वाले यूजर का कुछ भी नहीं मिलेगा। आप इसको बिल्कुल नए मोबाइल की तरह ही यूज कर सकते हैं, यानी कि 2 यूजर इसको एक ही टाइम पे यूज कर सकते हैं, अलग अलग हिसाब से अपने अपने कस्टमाइज अपने अपने सेटिंग्स के हिसाब से। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें आपको ज़्यादा एक्सेस नहीं मिलती सेकेंड स्पेस पर, लेकिन आप बेसिक काम जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो हम वापस चलते हैं इसकी पहली स्पेस में। तो हमने आपको दिखाया अब मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें आपको डुअल एप्स की सुविधा मिलती है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको डुअल स्पेस की सुविधा मिलती है। तो सेटिंग्स में कुछ खास है नहीं। अगर बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 1080 पिक्सल की डिस्प्ले मिलती है, और इसमें आपको ऑटो ब्राइटनेस की सुविधा मिलती है, और आपको इसमें रीडिंग मोड भी मिल जाता है। और इसकी मी स्टोर से आप अपनी थीम्स भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। अगर बात करें इसकी कैमरा की, तो इसके रियर कैमरा जो है वो है 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, जैसे कि आप देख सकते हैं 13 मेगापिक्सल का इसका शूटर है। और इसमें आप HDR मोड भी दिया गया है, जिससे आप HDR पे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इतना बुरा भी नहीं है, एक एवरेज सा कैमरा दिया गया है इसमें। अगर बात करें इसकी फ्रंट कैमरा की, तो इसमें आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और ये कुछ खास नहीं है, लेकिन एक एवरेज यूजर के हिसाब से एक अच्छा कैमरा है।
तो देख सकते हैं आप MIUI का टिपिकल इंटरफेस अभी तक तो अच्छा काम कर रहा है। पिछले 2 वीक से मैं इसे यूज कर रहा हूँ, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहा है। अगर बात करें इसकी बैटरी की तो इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि एक दिन की हेवी यूजेस पे भी बहुत अच्छे से काम करता है और बहुत अच्छा चलता है। और इसे मैं पिछले 2 वीक से अपने प्राइमरी फ़ोन के हिसाब से यूज कर रहा हूँ, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है इस फ़ोन में। 13000 की कीमत में एक बहुत अच्छा फ़ोन है, लेकिन इसे ऑर्डर कर पाना बहुत मुश्किल है। मेरे को लगभग एक महीना लग गया था इसके ब्लैक वेरियंट को ऑर्डर करने में, लेकिन फिलहाल ये मेरे पास आ गया है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।